अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बलागा सादे सा, आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इल्मुल बदी। बलागा आप जानते हैं, वैसे आप लोगों को बहुत पहले बताया गया है कि फन बलागा तीन उलूम पर मुश्तमिल है, इल्मुल बयान, इल्मुल मानी और इल्मुल बदी। तो इल्मुल बदी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इल्मुल बदी क्या है? इल्मुल बदी में ना तो इल्म बयान के मबाहिस आएंगे और ना ही इल्मुल मानी के मबाहिस आएंगे, बल्कि इल्मुल बदी एक ऐसी पढ़ाई का नाम है जिसमें अल्फाज या मानी की तज़ईन की जाती है बड़े अनोखे ढंग से, अल्फाज या मानी को समार करके पेश किया जाता है बड़े अनोखे ढंग से, उसी को इल्मुल बदी कहा जाता है। इल्मुल बदी में कुछ लफ्ज़ी तहसीन होती है और कुछ मानवी तहसीन होती है, लिहाजा अभी मैंने बताया ना इल्मुल बदी को, इल्मुल बदी में अल्फाज या मानी की तहसीन की जाती है कि एक असर करे, अच्छा लगे सुनने में, कहने में अच्छा लगे, वही है इल्मुल बदी, अनोखा इल्म है ना। तो इसमें मुहस्सनात होते हैं, मुहस्सनात इल्मुल बदी को बलागियों ने, इल्मुल बलागा के माहरीन ने दो शाखों में बांटा है, दो किस्मों में इसकी तकसीम की है, एक है मुहस्सनात लफ्ज़िया और एक है मुहस्सनात मानविया, अल मुहस्सनात लफ्ज़िया और एक है अल मुहस्सनात अल मानविया। मुहस्सनात लफ्ज़िया के तहत तीन बहसें आएंगी, जनास, इक्तिबास, सज। मुहस्सनात लफ्ज़िया के तहत तीन बहसें आपको देखने को मिलेंगी, जनास, इक्तिबास और सज। और मुहस्सनात मानविया के तहत आपको छः बहसें देखने को मिलेंगी, तौरिया, तिबाक, मुकाबला, हुस्नुत तालील, ताकीदुल मद बिमाशबहुल ज़म और व ताकीदुल ज़म बिमाशबहुल मद और उसलूबुल हकीम। ये छः बहसें आपको अल-मुहस्सनात अल-मानविया के तहत देखने को मिलेंगे। यानी इल्मुल बदी को दो किस्मों में बांटा है, अल-मुहस्सनात अल-लफ़्ज़िया, नंबर दो अल-मुहस्सनात अल-मानविया। अल-मुहस्सनात अल-लफ़्ज़िया के तहत इसकी तीन किस्में की हैं, जनास, इक्तिबास, सज। नंबर एक जनास, नंबर दो इक्तिबास, नंबर तीन सज। और अल-मुहस्सनात अल-मानविया के तहत छः बहसें की हैं, तौरिया, तिबाक, मुकाबला, हुस्नुत तालील, ताकीदुल मद बिमाशबहुल ज़म व ताकीदुल ज़म बिमाशबहुल मद, नंबर छः उसलूबुल हकीम। चलिए इन चीज़ों को जानते हैं कि ये क्या है, तब नाम इल्मुल बदी आएगा। मुहस्सनात लफ्ज़िया के तहत जितनी किस्में हैं पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मुहस्सनात मानविया के तहत जितनी किस्में रहेंगी फिर हमको उनको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मुहस्सनात लफ्ज़िया के तहत मैंने आपको बताया जनास, इक्तिबास और सज आता है। चलिए देख लेते हैं ये सब क्या है। जनास किसे कहते हैं? जनास कहा जाता है लफ्ज़, दो लफ्ज़ वो बोलने में तो एक जैसे हों लेकिन माना में मुख्तलिफ हों, दो लफ्ज़ बोलने में एक जैसे हों लेकिन माना में मुख्तलिफ हों। अलजनास अन यतशाबहा लफ्ज़ान फिल नुत्क व यख्तलिफा फिल माना। जनास ये है कि दो लफ्ज़ मुतशाबह हों बोलने में और माना में मुख्तलिफ हों। उसकी दो किस्में हैं, जनास ताम और जनास गैर ताम। जनास की दो किस्में, जनास समझ गए, लफ्ज़ बोलने में सेम सेम लगे, यकसा लगे, मुतशाबह हो लेकिन माना में अलग अलग हो, जैसे बता दे रहे हैं वयौम तक़ूमु अस्साअतु युक्सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू गैर साअ। जिस दिन क़यामत, यौम तक़ूमु अस्साअतु,
जिस दिन सात कायम होगी, यहाँ सात से बड़ा कयामत है, जिस दिन कयामत कायम होगी मुजरमीन कसम खा के कहेंगे उन्होंने एक घंटा के सिवा दुनिया में जिंदगी नहीं गुजारी। मा लबिसू गैर साआ, देखो साआ दो बार आया है, दोनों लफ्ज़ बोलने में एक जैसा है लेकिन माने में अलग अलग है। पहले साआ से मुराद कयामत है और दूसरे साआ से मुराद साआ ज़मानिया में से एक साआत है ना, घंटा मुराद है। एक से मुराद कयामत है और एक से जो वही एक घंटा दो घंटा ग्यारह बजे बारह बजे होता है वो बोलते हैं वो मुराद है। तो जनास आप समझ गए, जनास बोलते हैं दो लफ्ज़ बोलने में मुतशाबह हो लेकिन माना में मुख्तलिफ हो। अच्छा, अगर चार चीज़ों में दो लफ्ज़ मुतशाबह होते हैं तो उनको जनास ताम कहा जाता है, और उन्हीं चारों चीज़ों में से कुछ अगर गड़बड़ी होती है, कम मिलता है दोनों लफ्ज़ों में तो वो जनास गैर ताम होता है। चार चीज़ें क्या हैं? वो मुत्तफ़िक़ फ़ी लफ्ज़ान, जनास ताम होता है जिसमें दो लफ्ज़ मुत्तफ़िक़ हों, फ़ी उमूर अरबा, चार मामलों में। एक है नौउल हरूफ़, हरूफ की नौइयत, जैसे सा सा देख रहे हैं ना, दोनों में सीन अलिफ आयन ते हैं, सीन अलिफ आयन ते हैं। शक्लोहा, शक्ल हरूफ, जो जिन जिन हरूफ पर जो जो एराब लगा हुआ हरकत लगी हुई है दोनों में वही वही हरकत लगी हुई है, आखिरी कोई एतबार नहीं होता है। अदद हरूफ, जितनी तादाद पहले सा में है उतनी ही तादाद दूसरे सा में, अलिफ लाम का भी एतबार नहीं होता, अलिफ लाम तो का एतबार नहीं होता है। तीसरे है तरतीब हरूफ, हरूफ की तरतीब, पहले सीन से पहले सीन, दूसरे नंबर पे अलिफ उसमें भी दूसरे नंबर पे अलिफ, तीसरे नंबर पे आयन उसमें भी तीसरे नंबर पे आयन, चौथे नंबर पे ताय मदौरा उसमें भी चौथे नंबर पे ताय मदौरा। ये चारों चीज़ों में दो लफ्ज़ जब मुत्तफिक होते हैं, नवाए हरूफ, शक्ल हरूफ यानी हरकत हरूफ, और अदद हरूफ और तरतीब हरूफ, ये चार चीज़ों में अगर दो लफ्ज़ मुत्तफिक है माना अलग अलग है तो कहा जाएगा जनास है, ये जनास गैर, ये जनास ताम है। और अगर इन चारों चीज़ों में से जो चारों चीज़ें गुजरी हैं यानी नौए हरूफ, शक्ल हरूफ, अदद हरूफ और तरतीब हरूफ, इनमें से कोई एक चीज़ ना मिले और कुछ हद तक मिले और कोई एक चीज़ ना काफ़ी हद तक मिले किसी हद काफ़ी हद तक मिले और इन चारों में से कोई एक चीज़ ना मिले तो बोलेंगे वो जनासे गैर ताम है। जैसे फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर व अम्मस साइल फ़ला तन्हर, आप देख रहे हैं तक़हर तन्हर, खाली तक तन, काफ और नून का फ़र्क पड़ गया है। अब आप देख रहे हैं कि नवुल हरूफ में खाली फ़र्क है, इसमें काफ है उसमें सीधे पर नू है, बाकी शक्ल अदब तरतीब सब मिल रही है, तो अब ये जनास गैर ताम हो जाएगा। तो जनास समझ गए आप, जनास बोलते हैं किसे दो लफ्ज़ बोलने में मुत्तफिक हों और माना में मुख्तलिफ हों, उसकी दो किस्में हैं, ताम है गैर ताम है। चलिए हम ताम की मिसाल पढ़ करके आपको बता दे रहे हैं। यौम तक़ूमु अस्साअतु युक़सिमुल मुजरिमूना मा लबिसू गैर साआ, आप दोनों साआ को देख लीजिए, बोलने में मुत्तफिक हैं लेकिन माने में पहले साआ से मुराद क़यामत है और दूसरे साआ से मुराद अस्साअ मिन अस्साअति ज़मानिया। शायर ने अपने छोटे बच्चे के मरसिए में कहा है, उसका नाम यहया था, व समयतुहु यहया ले यहया, मैंने उसका नाम यहया रखा ताकि वो ज़िंदा रहे, फ़लम यकुन इला रद्द अमरिल्लाह फ़ी सबीलू, लेकिन अल्लाह का जो फ़ैसला हो जाता है चाहे जो नाम रखो चाहे जो उपाय तरकीब तरतीब कर लो अल्लाह के फ़ैसले से मफर नहीं, कोई भागने की जगह नहीं, भाग नहीं पाओगे। समयतुहु यहया ले यहया, मैंने उसका नाम यहया रखा ताकि वो ज़िंदा रहे। यहया यहया दोनों है, सब सेम सेम बराबर है चारों चीज़ों में, नौल हरूफ में, शक्ल हरूफ, अदद हरूफ, तरतीब हरूफ में बराबर है, लेकिन आप देख रहे हैं पहले में यहया से मुराद अलम है, पहला यहया अलम है, मैंने उसको यहया रखा, और दूसरा यहया फेल मुजारे है, मैंने उसका नाम यहया रखा ताकि वो ज़िंदा रहे, बोलने में एक है लेकिन माने में फ़र्क पड़ गए। ये तो दोनों मिसालें हुई जनास ताम की। चलिए जनास गैर ताम की कुछ मिसालें देख लेते हैं। قال تعالى فأمّل يتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر تقهر تنهر قاف نون کا فرق ہو گیا هل نهاك نهاك عن لوم امرئ هل نهاك نهاك کیوں نہیں آپ کو منع کیا آپ کی عقل نے نوہا نوہا معنی عقل اول النوہا بہت پڑھے ہوں گے عقل والے اول الالباب کہیں کہا گیا ہے کہیں اول النوہا کہا گیا ہے عقل والے نهاك نهاك یہاں صرف शक्ल हरूफ बदली हुई है ना नो, बाकी नौए हरूफ अदे हरूफ तरतीब हरूफ सब वही है।
हल्ला नहा का नुहा का क्यों नहीं नहा का, हल्ला क्यों नहीं नहा का तुम्हें नहा ना मना का क्यों नहीं तुम्हें मना किया नुहा का तुम्हारी अकल ने, तुम्हारी अकल ने नहा का के मैंने तुम्हें मना किया नुहा का के मैंने तुम्हारी अकल। देखो माना बोलने में एक है लेकिन माना कितना फ़र्क है। ऐसे आदमी के मलामत करने से लम युल्फा गैरा मुना अमिन बेशकाई, जो हमेशा ऐशो इशरत ही में रहा है अच्छे कारनामों की वजह से। तो आप देख सकते हैं इसको खमसा ने कहा, उसके कसीदे का शेर है जिसमें उसने अपने भाई सख्र का मरसिया कहा है, इन्नल बुका आ हुआ शिफाऊ मिनल जवा बैनल जवा ने, बेशक रोना शिफा है गम से जो गम की पसलियों के दरमियान था। अल जवा बैनल जवा ने जवा गम बैनल जवा ने पसलियों के दरमियान। उसकी बहन कह रही है अपने भाई सखर के मरसिए में कि हम लोग जो रो रहे हैं उस वजह से कि रोने से गम हल्का हो जाता है। जो जवानह के दरमियान जवा है यानी पसलियों के दरमियान जो गम है वो आंसुओं की धार में बह जाता है, गम आंसुओं के सैलाब में थोड़ा बह जाता है थोड़ा रह जाता है। आप देख रहे हैं इन्नल बुका आ हुआ शिफा मिनल जवा बैनल जवानह जवा जवानह। आप देख रहे हैं इसमें अदद हरूफ में फ़र्क पड़ गया, इसमें भी जवा इसमें भी जवा, इसमें नून है आखिर में बढ़ गया है, तो ये भी जरा से गैर ताम होगा। अल्लाह ताला ने कहा कल ताला हकायत अन हारून युखातिब मूसा, हारून जो मूसा को मुखातब कर रहे थे उसकी हकायत बयान करते अल्लाह ताला ने कहा खशीतु अन तकूल फर्रक्त बैन बनी इसराइल, मैंने सामरी जो काम कर रहा था उसको इससे मना नहीं किया, खशीतु अन तकूल मैं डर गया कि आप कहीं ये ना कहें कि आपने फर्रक्त बैन बनी इसराइल, बनी इसराइल के दरमियान आपने तफरका डाल दिया। ज़ाहिर है सामरी कुछ कह रहा था लोग उसकी तरफ जा रहे थे, मैं समझा था कुछ लोग मेरी तरफ आते, तो एक टोली में दो जमात हो जाती, दो अलग अलग जमात में लोग बंट जाते, एक टोली के लोग ही मुंतशिर हो जाते, तो मैंने उनको इस वजह से मना नहीं किया जाने से, उस सामरी को खुद इस वजह से मना नहीं किया कि कहीं आप ये न कहें कि आपने मेरी टोली को मेरी जमात को अलग अलग टोलियों में बाँट रखा है बाँट दिया है, इससे मैंने मना नहीं किया। अब आइए अपने काम की बात इसमें करते हैं। अंतकूल फर्रक्त बैना बनी इसराइल बैना बनी, आप देख रहे हैं तरतीब हरूफ में फ़र्क है, वरना जितने हरूफ बैना में है उतनी हरूफ बनी में भी है, थोड़ा तरतीब हरूफ और शक्ल में भी फ़र्क हो गया। बैना बनी बैना बनी इसमें जनास जनास गैर ताम है, तो आप समझ गए जनास किसे कहते हैं। लफ्ज़ बोलने में एक जैसा लगे लेकिन माना में अलग अलग हो, अगर इन चारों चीज़ों में एक जैसा होता है जो मैंने अभी बताया तो जनास ताम है, अगर कुछ फ़र्क हो जाता है तो जनास गैर ताम है। ये हो गया जनास। इक्तबास, इक्तबास किसे कहते हैं, इक्तबास कहते हैं शेर या नसर को, शेर या नसर के अंदर कुरान करीम का कोई टुकड़ा डाल देना या हदीस शरीफ का कोई टुकड़ा डाल देना बगैर ये बताए हुए कि ये कुरान के का हिस्सा है, कुरान की आयत है या हदीस का हिस्सा है, और बगैर ये बताए हुए कि मैंने इसको कहाँ लिया है, इस टुकड़े को कहाँ से लिया है, इसमें इस बात की भी इजाज़त होती है कि थोड़ा सा रद्दोबदल भी कर रहे हैं। इक्तबास किसे कहते हैं, शेर या नसर में, नज़्म या नसर में कोई अदबी शहपारा हो छोटा सा जुमला उसको, या कुरान की कोई आयत हो या उसका टुकड़ा हो वो, या हदीस शरीफ का कोई टुकड़ा हो उसको अपने कलाम में, चाहे आपका कलाम शेर हो यानी नज़्म हो या नसर हो, उसको उसमें घुसेड़ देना, उसमें डाल देना बिना ये बताए हुए कि ये किसका हिस्सा है, कहाँ से मैंने इसको लिया है, और ऐसा अपने कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए किया जाता है। जैसे देख लो अब्दुल मोमिन असफहानी ने कहा ला तगुर्रन्नक मिन अद-ज़लमति कसरतुल जुयूश वल अंसार, ज़ालिमों की तरफ से ज़्यादा फ़ौज और मददगार होने से तुम्हें धोखा कहीं ना हो जाए, ज़्यादा मददगार ज़ालिमों की तरफ से कहीं तुम्हें धोखे में ना डाल दें, युअख्खिरहुम इन्नमल युअख्खिरहुम लियौमिन तशख़्सु फ़ीहिल अबसार, बेशक वो उन्हें ऐसे दिन के लिए मुअख्खर कर रहा है जिसमें निगाहें
काम नहीं करेंगी, चौधिया जाएंगी, चकाचौंध हो जाएंगी। ला तगुरन्न कमिन अद्दलमति कसरतुल जुयूश वल अंसार युअख्खिरहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। अब देखिए कुरान की आयत को किस तरह से इसमें जोड़ दिया है। अगला देखिए, रहलु फलस्तु मुसाइलन अंदारिहिम, वो सब चले गए। रहलु, वो सब चले गए। फलस्तु मुसाइलन अंदारिहिम, मैं उनके घरों के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। अना बाख़ उन नफ्सी आला आसारिहिम, मैं अपने आप को उनके नक्शे कदम पर हलाक कर रहा हूँ, है ना। फ़लाअल्ला का बाख़ उन नफ्स का आला आसारिहिम, उसी से ले लिया है थोड़ा सा बदल करके। अच्छा जो, अच्छा इस जो असर मुक्तबस किया जाएगा उसमें उसको ये नहीं बताया जाएगा कि इसको मैंने कहाँ से लिया है, बस अपने शेर की या अपने नज़्म नसर की रवानी में उसको भी दाखिल कर दिया जाएगा। और थोड़ा सा तगयुर की भी इजाज़त है, लेकिन ये जानते हैं ये डबल ब्रैकेट के अंदर बंद होता है असर मुक्तबस, जिसको आप इक्तबास करते हैं। अबू जाफ़र उंदलुसी ने कहा, ला तो आदिन्ना सफ़ी अवतानिहिम कल्लमा युरा गरीबुल वतन, लोगों से उनके घरों में दुश्मनी ना करो, गरीबुल वतन की कम ही रियायत की जाती है, लोग अपने गांव के लोगों का सपोर्ट करेंगे ना कि मुसाफिर का सपोर्ट करेंगे। ला तो आदिन्ना सफ़ी अवतानिहिम, लोगों से उनके वतनों में दुश्मनी ना करो, कल्लमा युरा गरीबुल वतन, गरीबुल वतन की कम ही रियायत की जाती है। वइदा मअशीत आयशन बैनहुम वइदा मअशीत, और जब आप उनके दरमियान ज़िंदगी गुजारना चाहें, खालिकिन नास बिखुल्किन हसन, तो लोगों से अच्छे बर्ताव के साथ पेश आओ, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो। देखो हदीस शरीफ के टुकड़े को कितने खूबसूरत अंदाज में अपने शेर में जोड़ दिया है, जैसे कि उसी का एक कलाम हो, जैसे कि उसी का एक जुमला हो, हालांकि हदीस शरीफ का जुमला है, लेकिन बड़ी रवानी के साथ बहुत अच्छे ढंग से उसको जोड़ दिया है। इसको बोलते हैं इक्तिबास। इक्तिबास का मतलब होता है नज़्म या नसर में कुरान करीम का या हदीस शरीफ का या किसी अदबी शहपारे के किसी टुकड़े को बिना बताए हुए कि मैंने इसको कहाँ से लिया है, उसको अपने कलाम की रवानी में जोड़ देना। और ये भी असर मुक्तबस में जहाँ से आप ले रहे हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिनवान लें, थोड़ा मोड़ा उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। एक ने लिखा ना, इक्तनिम्फूद कल फाहिम कबल अय्यबियज़्ज़ा, अपने काले बाल को गनीमत समझो कबल से को सफ़ेद हो जाए। फ़इन्नम दुनिया जेदारुन युरीदु अय्यनकद्दा, जेदारुन युरीदु अय्यनकद्दा, दुनिया एक दीवार है जो गिरा चाहती है, है ना। आप देख रहे हैं जेदारुन युरीदु अय्यनकद्दा, कुरान से लिया, कितनी खूबसूरती के साथ उसको जोड़ दिया, बड़ी बेहतरीन ढंग से साथ उसको जोड़ दिया। एक शायर ने कहा, लइन अख्ता तफ़ी मदही कमा अख्ता तफ़ी, लइन अख्ता तफ़ी मदही कमा अख्ता तफ़ी मनाई, अगर आप मगर मैंने आपकी तारीफ करके गलत किया तो आपने मुझे ना देने में ख़ता नहीं किया। सही मानों में लकद अनजल तो हा जाती बेवादिन गैर अजीज दराई, मैंने अपनी ज़रूरतों को बंजर ज़मीन से वाबस्ता कर ली थी, तो मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा। बेवादिन गैर अजीज दराई, कितनी खूबसूरती के साथ कुरान के इस टुकड़े को अपने शेर में जोड़ दिया है। तो ये हो गया इक्तिबास। मुहसरात लफ्जिया की तीसरी किस्म है सज। सज बोलते हैं, आपने बहरा सुना होगा, मुकफ़ा मुसज्जा इबारत है। सज कहते हैं दो फासिलों का आखिरी हरफ में बराबर होना। अच्छा पहले फासला जान लीजिए किसे कहते हैं। हर जुमले के आखिरी लफ्ज को बलागत की इस्तलाह में फासला कहा जाता है। जैसे कहा जाए अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा व आती मुनफिकन तलफा, तो खलफा और तलफा ये क्या है, ये फासला है। सज किसे कहते हैं, दो फासिलों का आखिरी हरफ में बराबर होना, यानी दो जुमले हों, दोनों जुमलों के आखिरी लफ्ज हों, और आखिरी लफ्ज जो दोनों के हों उनके आखिरी हर्फ बराबर हों, उसी को सज बोलते हैं। दो फासिलों का आखिरी हर्फ में बराबर होने को सज कहा जाता है। दो फासिलों का मतलब दो जुमलों के आखिरी लफ्जों का, फासला माने जुमले का आखिरी लफ्ज। बलागत की इस्तलाह में जुमले का आखिरी लफ्ज फासला कहलाता है।
दो फासलों का बराबर होना, यानी दो जुमलों के आखिरी लफ्ज का बराबर होना, किस चीज में? आखिरी हर्फ में। जैसे देखो, अल्लाह आतिम मुनफिकन खलफा व आतिम मुमसिकन तलफा, आखिरी आखिर में फा है, यहाँ अलिफ है, फिर यहाँ अलिफ है। अल्लाह इन कुंत कद अबलैत फइन्न का तालम कद आफैत अल हुर इदा वादा वफा व इदा आना कफा व इदा मलका अफा। इसको बोलते हैं सज, फासलों का, दो फासलों का आखिरी हर्फ में बराबर होना। और अफजल सजे वो होते हैं जिसके फिक्रे भी बराबर हों, जुमले भी बराबर हों, यानी तकरीबन उतने हरूफ दोनों में हों, दोनों जुमलों में हों, उसको मुसज्जा इबारत बोलते हैं, सजा बोलते हैं। तो सजा क्या होता है? दो फासलों का आखिरी हर्फ में बराबर होना। फासला किसे कहते हैं? कलमे के आखिरी हर्फ को फासला कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि दो जुमले हों, उनके जो आखिरी लफ्ज़ हों और उनके आखिरी लफ्ज़ के जो आखिरी हरूफ हों वो एक ही हों, यकसा हों, उसी को सजा बोलते हैं। अफजल सजा जिसके फ़िक्रे बराबर हों। पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफा, अल्लाह खर्च करने वाले को अच्छा जानशी दे, व आते मुमसिकन तलाफा। ये देखो, ये सजा है, इसमें मुसज्जा इबारत है। काला अराबी इबन सैल, एक देहाती ने कहा जिसके बच्चे को सैलाब बहा ले गया था, अल्लाहुम्मा इन कुंत कद अबलैत, अल्लाह अगर आपने आजमाया है, मुसीबत में डाला है, फैन ने कहा तालमा कद आफैत, तो अक्सर आपने माफ किया है। अल हुर इदा वादा वफा, आज़ाद जब वादा करता है पूरा करता है, मदद करता है तो भरपूर मदद करता है, और जब बादशाह बन जाता है, मालिक हो जाता है, काबू पा जाता है, तो माफ़ कर देता है। हुर की औसाफ है, अल हुर इदा वादा वफा व इदा आना कफा व इदा मलका आफा। तो मैंने जो इल्मुल बदी के कुछ दो किस्में बांटा है, मुहसरात लफ्ज़िया, मुहसरात मानविया। मुहसरात लफ्ज़िया की जो तीन किस्में की हैं, सजह, इक्तबास, जनास, इन तीनों को मैंने आपको मिसाल के साथ समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। देखो किस तरह से मुसज्जा इबारत है, अलहिब्दु सदउल कुलूब वल लजाज सौबुल हरूब, कीना दिलों का जंग है और ज़िद करना ये लड़ाइयों का सबब है। अलहिब्दु सदउल कुलूब वल लजाज सौबुल हरूब। रहिम अल्लाह अब्दन काला खैरन फगनिम औसकता फसलिम, अल्लाह उस बंदे पर रहम करे जिसने अच्छी बात कही तो गनीमत में रहा, खामोश रहा, महफूज रहा, है ना। तो सच को आप देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि तीनों चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।